नमस्कार दोस्तों, वीडियो के अंदर साउथ इंडियन बैंक के जो पीओ की 150 वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में बात करेंगे, कैसे तैयारी करनी है, सारे पॉइंट्स हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, डिटेल्ड सिलेबस क्या रहेगा आपका सारे सब्जेक्ट्स का, वो उसके बारे में बात करेंगे और कैसे आप लोगों को तैयारी करना है और की पॉइंट्स कुछ एंड के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा। एग्ज़ाम पैटर्न की यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्ज़ाम जो पूरा आएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो भी इंग्लिश में आएंगे, जीके भी इंग्लिश में आएगा। तो आप लोग जो हिंदी मीडियम से ही फॉर्म कंफर्टेबल हैं वो ना भरें इस फॉर्म को, पेपर पूरा पूरा इंग्लिश में आएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ सब्जेक्ट वाइज। अब देखो इस पैटर्न के ऊपर मैं कमेंट करना चाहूँगा ये कि IBPS PO और SBI PO जो मेंस का जिस तरीके का यहाँ पे पेपर आता है ना, उस तरीके का ये पेपर पैटर्न करने, पहले जो पेपर में आते थे 200 क्वेश्चन आते थे, आपका 120 मिनट का टाइम मिलता था जिसमें मतलब टाइम भी डिवाइडेड नहीं होता था, लेकिन इस बार पूरा का पूरा पैटर्न कुछ हद तक SBI PO मेंस और IBPS PO मेंस तक यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक ने करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चन एक मार्क्स से ज़्यादा के भी होंगे, और 40 मिनट का आपको रेस्ट्रिक्टेड टाइम मिलेगा, ना इससे ज़्यादा ना कम। 40 मिनट में लॉक रहेगा टाइमर, 40 मिनट में आपको सिर्फ रीजनिंग ही करना है। अब मैं आपको इसमें कुछ लोगों को डाउट होगा सर कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ जहाँ तक IBPS PO और SBI PO मेंस में पेपर हुए हैं अभी तक कोई भी कंप्यूटर का क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ रीजनिंग के ही पूरे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 40 मिनट का आपको टाइम दे रहा है, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ के क्या करेगा वो। लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सिर्फ रीजनिंग पर ध्यान दें, कंप्यूटर को एकदम से छोड़ दें। आपको अगर आएगा भी तो बहुत ही बेसिक ही आएगा कंप्यूटर, आप लोग कर दोगे उसको अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का। अगर नहीं है तो रीजनिंग पे ध्यान दो, रीजनिंग में ही अच्छे खासे स्कोर्स कर दोगे, 50 में से 45 मार्क्स का तो रीजनिंग आना ही आना है, 5 मार्क पूरा 50 का ही आएगा जहां तक संभव होगा, लेकिन अगर मैक्सिमम आ भी पाएगा कंप्यूटर तो 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आ पाएगा। इसलिए आप लोग रीजनिंग पे ही ज़्यादा इस सेक्शन के अंदर फोकस करें। इसका सिलेबस मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा अभी आने वाले टाइम में। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज में से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, पहले यहाँ पे सिर्फ डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन नहीं लिखा आता था, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा आता था जिसमें DI भी होता था साथ में अर्थमेटिक भी। यहाँ पे अब SBI PO और IBPS PO की तरह यहाँ पे क्या कर दिया गया है मेंस के अंदर, जहाँ वो सिर्फ डाटा एनालिसिस ही पूछता है, अर्थमेटिक का पोर्शन भी होता है उसके अंदर, लेकिन डाटा एनालिसिस ज़्यादा पूछता है, इंटरप्रिटेशन ज़्यादा पूछता है वहाँ पे, इसलिए ये वहाँ पे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के एक बार पेपर देख लीजिएगा SBI PO mains और IBPS PO mains पिछले 2 सालों के, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का पेपर आने वाला है। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 40 मिनट का टाइम दे, टोटल 200 मार्क्स का होगा, 155 क्वेश्चन होंगे और 140 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे। अब इसका डिटेल के अंदर बात कर लेते हैं। चलो दोस्तों रीजनिंग का सबसे पहले बात करते हैं, रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर का सिलेबस मैं नहीं बता रहा हूँ, एंड में बता दूंगा क्या आप लोगों को पढ़ना है अगर किसी को पढ़ना है तो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा फोकस करो सिर्फ रीजनिंग के ऊपर। अब यहाँ पे ये पूरा पैटर्न मैंने निकाला है IBPS PO mains और SBI PO mains के आधार के ऊपर, क्योंकि पैटर्न कुछ वैसा ही है तो क्वेश्चन भी वैसे ही आप लोगों से पूछे जाने, पूरा पूरा एक्सपेक्टेशन वही है। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो रीजनिंग के पूछे जाएंगे उसमें से 20 क्वेश्चन आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के पूछे ही जाएंगे। इसकी मैंने एक सीरीज चला रखी है, आप लोग यूट्यूब पर देख लीजिएगा, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी इस टॉपिक के अंदर। अल्फ़ाबेट की पजल टाइप के 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आप लोग। न्यू पैटर्न सिंबल बेस्ड क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं वो मैं आने वाले टाइम में डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो IBPS PO mains और SBI PO mains के पेपर्स आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। 3 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट बराबर 5 टॉपिक्स 5 नंबर का आ रहा है। लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे 8 नंबर की आ रही है। डाटा सफिशियंसी में से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस टाइप से करके 40 क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा ये संभावना है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाते हैं जो आपको करके जाने हैं, क्योंकि ये साउथ इंडियन बैंक का एग्जाम है, हम लोग पूरा एक्सपेक्टेड यही नहीं कर सकते कि सेम पैटर्न फॉलो करेगा वैसा ही, लेकिन वो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी आपको तैयार करके जाने हैं, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। इनइक्वलिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोलिज्म, सिलोलिज्म में रिवर्स वाला भी आप लोगों को तैयार करके जाना है, रैंकिंग, डायरेक्शन और अल्फाबेट टेस्ट, ये 5 टॉपिक भी आपको करके जाने हैं। मेन पहला फोकस आपका इन टॉपिक्स पे रहना चाहिए, सेकेंडरी फोकस आपके आपका इन पे रुकना चाहिए, तो लेकिन तैयार आपको सारे ही करके जाने हैं। अब दोस्तों आगे सिलेबस मैथ्स वगैरह का डिस्कस करें, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि बैंकर्स पॉइंट ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पे आप लोग घर बैठे कोचिंग कर सकते हो। एक नॉमिनल सी फीस के अंदर आप अपने घर बैठे ही पूरा सिलेबस बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, SSC का हो, सारे सिलेबस हम लोग वहाँ पे कवर करवा रहे हैं आपका मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट का।
मैं मैथ्स और रीजनिंग लेता हूँ, तो हम मैथ्स और रीजनिंग का ही करवाते हैं, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स अगर किसी को जाननी है तो 8955974739 नंबर पर या फिर इस दी गई वेबसाइट के ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ ट्रिक से वहाँ पर हम लोग पढ़ाएंगे, लिमिटेड टाइम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं उस टाइप की हम लोग कुछ वहाँ पे ट्रिक्स वगैरह देखते हैं, तो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं उसको भी। अब मैं बात करता हूँ डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के सिलेबस की। तो सबसे पहले कोई भी ये आप लोग दिमाग में ना रखें कि अर्थमेटिक बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन फिर भी पूछे जाएंगे। और इसके अलावा अगर अर्थमेटिक आप लोगों को इस तरीके से अगर नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं पूछेगा वो, तो आपको अलग तरीके से पूछ लेगा। अलग तरीका क्या होगा, वो DI के अंदर अर्थमेटिक को मिक्स कर देगा, टाइम एंड वर्क पे आप लोगों से DI पूछ लेगा, टाइम एंड डिस्टेंस पे पूछ लेगा, आप लोगों को प्रॉफिट लॉस पे पूछ लेगा। अगर आपको अर्थमेटिक के वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप कैसे DI करोगे। तो सबसे पहले अर्थमेटिक पूरा का पूरा आपको तैयार करके ही जाना है। इसके अलावा मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपको नई पैटर्न की इनइक्वालिटी पूछता है। पहले इनइक्वालिटी कैसे पूछता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, लेकिन आजकल नए पैटर्न की पूछ रहा है, जो कि 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्वांटिटी फर्स्ट और सेकंड। अब ये क्वांटिटी फर्स्ट और सेकंड ये अर्थमेटिक का जो पोर्शन होता है ना आपका, उसके ऊपर बेस्ड होता है। यानी कि एक क्वांटिटी आपको टाइम एंड वर्क में से कैलकुलेट करवा लेगा, एक क्वांटिटी आपको टाइम एंड डिस्टेंस में से कैलकुलेट करवा लेगा, एक से आंसर मिलेगा एक्स, एक से आंसर मिलेगा वाई, दोनों को कंपेयर करवा लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज आप लोगों को दे दी जाएंगी, यानी कि एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से एक रेल का एक ट्रेन का क्वेश्चन दे देगा, आपको उसमें स्पीड निकलवा लेगा जिसको वो एक्स बोल देगा। एक आपको फिर कोई कार का क्वेश्चन दे देगा या फिर बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन दे देगा, उसमें से आप लोगों को से स्पीड निकलवा लेगा जिसको वाई बोल देगा, फिर एक्स और वाई को कंपेयर करवा लेगा। कुछ क्वेश्चन मैं डाल दूंगा इसे, ठीक है, आने वाले टाइम में। लेकिन इस टाइप का कुछ पैटर्न के क्वेश्चन वहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाटा सफिशियंसी में से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन में से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन में से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक से रिलेटेड मिल सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी पूछता है, 6 से 9 क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ एनालिसिस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछेगा। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन यहाँ से 2 से 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये टॉपिक तो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड बता दिए, सबसे पहला फोकस तो आपका इस पे रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 और बच जाते हैं जो आपसे पूछ सकता है, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया टाइप का पैटर्न लाया साउथ इंडियन बैंक, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है आप लोगों से। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों से रीडिंग कंपैरिजन न्यू पैटर्न का यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन पूछ सकता है। डबल फिलर्स 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। पैराग्राफ ऑफ गिवन टॉपिक 0 से 4 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ एग्जाम में पूछा जा रहा है, कुछ एग्जाम्स में नहीं पूछा जा रहा है। एरर डिटेक्शन 5 से 10 क्वेश्चन पूछ सकता है। जंबल्ड पैराग्राफ 2 क्वेश्चन पूछेगा। फ्रेजर रिप्लेसमेंट 5 से 10 क्वेश्चन पूछेगा। क्लोज टेस्ट 5 से 10 क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीके से आपके ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो ये मैं एक आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि सिलेबस क्या हो सकता है, बाकी चेंजेस आते रहते हैं ऊपर नीचे, लेकिन आप इस तरीके से तैयारी करके जाओगे तो सिलेक्शन लायक मार्क्स आप लोगों के आ जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो इधर उधर का मटेरियल उठा के पढ़ता है, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाता है और कम टाइम में ना तो पूरा पढ़ा जाता है, और एग्जैक्टली जो मार्क्स स्कोर करने वाले टॉपिक्स होते हैं वो आप छोड़ जाते हैं। तो मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, तो वो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। बैंकिंग में से यहाँ 3 से 5 क्वेश्चन पूछेगा। बैंक रिलेटेड करंट अफेयर, यानी कोई बैंक के ऊपर कोई NPA हो गया, कोई न्यूज़ के अंदर है, कोई बैंक का चेयरमैन चेंज हो गया, या फिर कोई बैंक किसी दूसरे बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया, कोई भी बैंक से रिलेटेड रिलीज हो, कोई बैंक ने कोई स्कीम निकाली हो, कोई भी बैंक से रिलेटेड करंट अफेयर हो, 3 से 5 क्वेश्चन वहाँ से पूछता है। न्यू अपॉइंटमेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे 2 से 3 पूछता है। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स समिट्स होते रहते हैं, मीटिंग्स होती रहती है, वो यहाँ पे 2 से 3 यहाँ पे पूछेगा। पूछेगा क्या, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, उसकी थीम क्या थी और कहाँ पे हुआ था, वो सिटी का नाम या कंट्री का नाम। इकोनॉमी या बिजनेस न्यूज़, जैसे अभी अगर लेटेस्ट न्यूज़ वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है, तो उस टाइप की न्यूज़ यहाँ पे आप लोगों से पूछे जा सकती हैं। स्पोर्ट्स के यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे कोई नया फेमस पर्सनैलिटी को, अब देखो अवार्ड्स एंड ऑनर्स बहुत सारे दिए जाते हैं, सारे मत पढ़ने बैठ जाना, जो इंपॉर्टेंट रहे हैं ना पिछले तीन महीने का ही करंट अफेयर्स बैंक में लगभग पूछा जाता है, उससे पीछे नहीं जाएगा वो, तो पिछले 3 महीने का ही आप लोगों को कवर करके चलना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक, यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछता है, सारे बैंक्स हो, सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सभी के हेडक्वार्टर में से 1 से 2 क्वेश्चन, यहाँ एक ही लिख दिया लेकिन 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार, पिछले बैंकों में देखा गया है। डेज यानी किसी दिन वुमेन डे मनाया गया, शहीद दिवस कब मनाया गया, एड्स डे कब, मतलब जो भी दिवस यहाँ पे मनाए जाते हैं वो सारे के सारे आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। पिछले 3 महीने में जो भी आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा।
मिसलिनियस के अंदर आपको कंट्री एंड करेंसी पूछता है, एक एक क्वेश्चन पूछता है। अब कंट्री एंड करेंसी बहुत सारी है, तो बोले सर कौन कौन सा पढ़ें, इतनी सारी कंट्रीज हैं, इतनी सारी उनकी कैपिटल्स हैं, इतनी सारी उनकी करेंसीज हैं, कौन कौन सा पढ़ें। तो देखो पिछले 3 महीने में जो कंट्री न्यूज़ में रही है, जो करेंसी न्यूज़ में रही है, उसी को पढ़ो। सीएम एंड गवर्नर पिछले 3 महीने में कोई चेंजमेंट हुए वही पढ़ो, पुराने मत पढ़ो। ऐसे नहीं है पूरी स्टेट्स की लिस्ट निकाल ली, सबके सीएम पढ़ रहे हो, गवर्नर पढ़ रहे हो, वो नहीं करना है। पिछले 3 महीने में कहीं का कोई नया गवर्नर बनाए, कोई नया सीएम बनाए, वही पढ़ना है, सारे नहीं पढ़ने। हेडक्वार्टर्स के बारे में मैंने बता दिया, डेज के बारे में, डांसेज, अब ये आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन आ जाता है, डांसेज, डैम्स एंड पावर प्लांट, ये 3 बड़े ही फेमस और बड़े ही फेवरेट टॉपिक है बैंक्स के। यहाँ से पूछ लेता है कोई ट्रेडिशनल डांस, डांस का नाम दे देगा आपका, डांस की फॉर्म का पूछेगा कौन से स्टेट से रिलेट करता है, डैम का नाम दे देगा बोलेगा कहाँ पे है ये, या फिर कोई रिवर दे देगा कौन सी रिवर के ऊपर ये डैम बनाया गया, पावर प्लांट कौन सा कहाँ पे है। तो ये स्टैटिक जीके का 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सबसे पहले यही पढ़ना, बाकी मत पढ़ना। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बैंक ऑर्गेनाइजेशन के आप लोग हेडक्वार्टर पढ़ना। बुक्स एंड ऑथर्स यहाँ पे पढ़नी है आप लोगों को, कि नई जो 3 महीने में बुक्स लॉन्च हुई हैं और उनके ऑथर कौन हैं, वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स हैं वो आप लोगों को ध्यान रखनी है, स्टेट स्कीम्स पर इतना ज़्यादा ध्यान मत रखिएगा, आप लोग मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर ध्यान रखिएगा, और जो बैंक से रिलेटेड स्कीम्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पे पूछी जाती हैं एग्जाम्स के अंदर। समिट ऑपरेशंस एंड कमेटीज, ये आप लोगों से यहाँ पे जनरली पूछी, कोई भी इश्यू हुआ उसके ऊपर कमेटी बना दी जाती है, उसके ऊपर उसका कुछ नाम रखा जाता है, उसका कुछ इश्यू होता है, उसके अलावा उसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनाएगी, ये इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। जीडीपी प्रेडिक्शन रैंकिंग, अब देखो जीडीपी प्रेडिक्शन के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी मैगजीन्स हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक भी करता है, अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट भी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट, कुछ मैगजीन्स हैं वो भी जीडीपी प्रेडिक्शंस करती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग मैगजीन्स, जितने भी जीडीपी प्रेडिक्शन पिछले 3 महीने में हुए हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखने। कुछ रैंकिंग्स निकलती हैं इंडिया की इंडेक्सेस में, जैसे भी मीडिया के रिलेटेड कोई रैंकिंग निकली थी, पॉवर्टी के मामले में कोई रैंकिंग निकलती है, तो उससे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये एक फिक्स पैटर्न है, जब भी आप जीके पढ़ें ना, करंट अफेयर कुछ भी पढ़ें, तो इन 14 पॉइंट्स को ध्यान में रख के पढ़ें, ये आपको मैक्सिमम स्कोर करने में मदद करेंगे, और एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है, इधर उधर का मत पढ़ो, एग्जैक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ो। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफेंस, साइंस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे कोई इसरो से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, नासा से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, डिफेंस में अपने फोर्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो गई, वो आप लोगों से यहाँ पे पूछी जाती है। तो ये लास्ट पॉइंट था। अब कंप्यूटर का मैं बात करता हूँ, देखो कंप्यूटर वैसे तो आपको पढ़ना ही नहीं है, फिर भी अगर कोई बोले कि सर मैं तो बड़ा ही सेफ चलना चाहता हूँ, मैं तो 1-2 मार्क्स का भी अगर कंप्यूटर आ जाता है रीजनिंग वाले पोर्शन में जो मिक्स करके आता है उसमें पढ़ना चाहूँगा, तो ये 2 टॉपिक्स में मैंने इसको डिवाइड किया, तो ज़्यादा भी नहीं, तो आप ये पहला वाला जो पोर्शन है ना, पहले 5 पॉइंट ये पढ़ के चले जाना, इसमें से ही आ जाएगा अगर कुछ आएगा तो, बाकी आएगा नहीं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा मत पढ़ो इसको। कैसे आप लोगों को तैयारी करनी, देखो सबसे पहले तो आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे मेरे को पढ़ना है, सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो, सबसे पहले तो जो मैंने सिलेबस बताया, जो पैटर्न बताया उसको नोट डाउन करो, और उसके बाद में एक एक टॉपिक की प्लान करो किस तरीके से पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना ही है, अपडेट खुद को रखना है, और जीके को एक वेपन की तरह काम में लेना है, डे टू डे आपको डेली जीके पढ़ना पड़ेगा, उसका रिविजन करना पड़ेगा, और मैंने जिस तरीके से आप लोगों को पॉइंट बताए उन पॉइंटों को ध्यान में रख के जीके तैयार कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट बैंक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो वो आपको रखना पड़ेगा, कि जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो टाइम लिमिट लगा के रखो उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो, पजल कर रहे हो, 20-20 मिनट में सॉल्व हो रही है, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा एग्जाम में जाके, टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान दो। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कोशिश करो और कुछ नए मेथड सीखो, इंटरनेट से सीखो, मेरे अलावा बहुत सारे चैनल और भी हैं वहाँ से सीखो, जहाँ से जो भी नॉलेज मिल रहा है सारा का सारा नॉलेज ले लो, और अपने टाइम को कम करने की कोशिश करो किसी भी टॉपिक के अंदर। जैसे इनइक्वलिटी का हमने बनाया था, आप लोग 1 मिनट के अंदर ही 5 क्वेश्चन कर जाओगे, कोडिंग डिकोडिंग में आप 2 मिनट में 5 क्वेश्चन कर जाओगे हमारे मेथड से, सिलोलिज्म में आप लोग 3 मिनट में 5 क्वेश्चन कर जाओगे हमारे मेथड से, तो हमने तो बहुत सारे मेथड डेवलप किए हैं, हमारे मेथड को फॉलो करो, और कहीं और पे अच्छा मेथड मिलता है, बहुत सारे इनिशिएटिव हो रहे हैं आजकल नेट पे, कोई और चैनल पे आपको अच्छा मिलता है तो वहां से करो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सीखो क्वेश्चन के अंदर। मॉक टेस्ट ट्राई करो, और उसके साथ में ट्रायल मॉक टेस्ट के साथ करो। अब कई स्टूडेंट होते हैं मतलब मॉक टेस्ट के साथ ट्रायल नहीं करके एग्जाम में डायरेक्ट बैठ जाते हैं मॉक टेस्ट ट्राई नहीं करके, तो वहाँ पे उन्हें पता ही नहीं लगता है कि क्या करूँ, कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करूँ, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से करने हैं, कुछ पता नहीं चलता, और वो टाइम निकल जाता है, फिर टाइम इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मॉक टेस्ट ट्राई करोगे तो आपको अपनी वीकनेस भी पता चलेंगी, अपनी स्ट्रेंथ्स भी पता चलेंगी, कहाँ आप कमज़ोर हो, कहाँ आप मजबूत हो, वो आपको पता चलेगा, और उसी हिसाब से फिर अपनी तैयारी को आगे लेके जाइए आप। रिवीजन टाइम टू टाइम होना चाहिए। देखो मैं एक पैटर्न बताता हूँ आपको, सबसे पहला रिवीजन आपका 24 घंटे बाद होना चाहिए कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद में, उसके बाद में 7 दिन बाद होना चाहिए, उसके बाद में 15-15 दिन के इंटरवल के साथ होता ही रहना चाहिए। इसके लिए आपको एक रिवीजन कॉपी बनाइए, रिवीजन नोट अलग से बनाइए आप लोग,
ठीक है। नोट का मतलब है एक रिवीजन की प्लान कॉपी, रिवीजन प्लान कॉपी अलग से बनाइए, जिसमें आप लोग अगर आज कोई भी डेट, जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई भी डेट है, इस डेट को आपने तीन टॉपिक पढ़े, टॉपिक 1, 2 और 3, तीन टॉपिक पढ़े। अब आपको इसके आगे डेट लिख देनी है कि ये कल रिवाइज होगा 25 तारीख को, 25 के बाद में 7 दिन बाद ये 2 तारीख को रिवाइज होगा, फिर ये 9 तारीख को रिवाइज होगा, फिर 15। इस तरीके से एक प्लान बना के चलिए रिवीजन का, तभी आप लोगों का टाइम पे रिवीजन हो पाएगा। परफॉर्म लाइक एरियो, बिल्कुल ये मत सोचो कि 150 सीट है तो क्या हो जाएगा भाई, 150 सीट है तो आपको तो एक ही सीट चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रॉपर तैयारी होगी, अगर आप मार्क्स को फोकस कीजिए, सीट वगैरह मत फोकस कीजिए, आप तो ये आइडिया लगा लीजिए कि यार इतनी मेरिट जाएगी लगभग, आसपास के एग्जाम्स देख लीजिए और उसके हिसाब से एक आइडिया लगाइए कि मेरे को इतने के आसपास मार्क्स चाहिएंगे, उस हिसाब से आप लोग तैयारी करो, मार्क्स के हिसाब से तैयारी करो, ना कि सीट वगैरह मत देखा करो, एक कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर डाइट और टेंशन फ्री रहना है। टेंशन लेने से कोई भी एग्जाम किसी का आज तक अच्छा नहीं हुआ है तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रॉपर डाइट इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं होगी तो आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तैयारी करने के अंदर, तो आप लोग कैसे करोगे। प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, टाइम पे सोइए, पूरी नींद लीजिए, 8 घंटे 6 घंटे जो भी आपको सेटिस्फेक्शन करता है, कि भाई मिनिमम 6 ओवर तो देखो आपको नींद लेनी चाहिए, स्लीपिंग ओवर आपके मिनिमम 6 ओवर्स होने चाहिए, और 8 ओवर्स भी कर सकते हो अगर आप पूरे दिन फ्री रहते हो तो, 8 घंटे के बाद में भी बहुत 16 घंटे बचते हैं पढ़ाई के लिए, तो बहुत टाइम होता है हमारे पास में। की पॉइंट्स कुछ मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं प्लानिंग के अंदर ही, कि आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करनी है मॉक टेस्ट से और उसको नहीं करना है। इसके अलावा मैं एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ जो पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड डोंट कीप रिपीटिंग दे, यानी कि अपनी गलतियों से सीखो। जैसे आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें कोई क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे, उसमें आपका कोई कॉन्सेप्ट गलत दिमाग में बैठा हुआ था और आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया, अब आपने मॉक टेस्ट को छोड़ दिया ऐसे ही, आपने उसको एनालिसिस ही नहीं किया, तो फिर क्या फ़ायदा है। आप उस गलती को एनालिसिस करो, फिर उसको सुधारो, और उसके बाद में उसको रिपीट नहीं करना है। गलतियाँ, एक गलती आज की मॉक टेस्ट में फिर से सेम गलती नेक्स्ट मॉक टेस्ट में रिपीट कर रहे हो तो फायदा क्या हुआ मॉक टेस्ट देने का, तैयारी करने का फायदा क्या हुआ, अगर सेम गलतियाँ बार बार कर रहे हो, वही गलती एग्जाम में जाके करेंगे, सिलेक्शन होगा नहीं फिर। इसलिए एक गलती एक बार करो, उसको फिर सुधार लो, गलतियों से ही इंसान सीखता है, लेकिन बार बार सेम गलती रिपीट नहीं करनी है। एक बार एक गलती कर दी, उसको फिर अपने हिसाब से मतलब सुधार लो और उसको रिपीट नहीं करना है दोबारा, बस ये चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मुझे कमेंट करके अगर आपको और कोई डाउट्स वगैरह हैं तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उनको जरूर से कंसिडर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।